नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है जिनको एक आवास चाहिए। हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान सिर्फ तीन जरूरी चीज़ें होती हैं जो जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके पास ना रोटी है, कपड़े तो पहने हुए लेकिन मकान नहीं है। एक कच्चा घर था जो बरसात में ढह चुका है। अब परिवार एक पन्नी के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कब तक एक पन्नी के नीचे अपना जीवन यापन करेगा? खेती है नहीं, कमाई कुछ है नहीं, लेकिन एक आसरा है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि उनको एक आवास मिल सके। पूरा नाम क्या है आपका? राजेंद्र कुमार पाल। हम मऊदारा गांव से हैं, तहसील कुंडा है, थाना मानिकपुर है, जिला प्रतापगढ़ है। जी हमारे कैंसर हो गया है, हम कमाए खाए नहीं पाते हैं। जी हमारे चार बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। एक हमारे लड़के है जिसकी उम्र का लगभग 28 साल हो गई है, हम उससे शादी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो है रहने के लिए घर नहीं है, घर जो था कच्चा वो बरसात में गिर गया है। जिसका क्षेत्रीय लेखपाल आए और जैसे भी रिपोर्ट भी लगाए हैं, लेकिन आज तक आवास नहीं मिल पाया है। हम पन्नीदार करके गुजारा कर रहे हैं जी, इसीलिए हम अब यहाँ पर लखनऊ आए हैं। मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगाए कि हमें एक आवास दिया जाए और बेसिस से साजिश के लिए अनुदान दिया जाए। अच्छा, पन्नी में आप लोग क्या तकलीफ हो रही, क्या परेशानियाँ आ रही, कब से पन्नी में आप रह रहे हो? मैम जब बारिश होती है तब ज़्यादा दिक्कत होती है, चूने लगता है, कहाँ रहें हम। धूप तेज होती है तो मैम किसी तरह रहते हैं, मंदिर वंदिर पर बैठ गुजारा करते हैं जी। तो आप चाहते हो, अब मैं बता दूं कि इन्होंने कहा इनको कैंसर हो चुका, कैंसर की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। चार बच्चे, एक बेटी है सबसे बड़ी और पांच भाई हैं आपके, और छोटे छोटे बच्चे इनके। एक बड़ी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई क्योंकि आवास नहीं है, घर नहीं, पन्नी के नीचे रहते हैं, पैसा है नहीं, जितना पैसा सब इनकी बीमारी में लग गया है, इलाज में लग रहा है। और जिसके साथ अब एक पन्नी में गुजारा कर रहे हैं क्योंकि घर बनवाने के, मिट्टी के घर भी बनवाने के लिए इनकी अब इतने सक्षम नहीं है कि मिट्टी का घर भी बना सके। बस इनके गुहार है किसी तरह इन्हें आवास मिल सके, इनका घर बन सके, इनकी बेटी की शादी हो सके। बेटी की शादी और आवास की अपनी गुहार लेकर आज आए हैं पूरे परिवार के साथ, और बड़ी उम्मीदों के साथ योगी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें छोटा सा घर मिले और बेटी की शादी हो सके। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहे हैं कैंसर की, जो बड़ी लड़ाई है, जिसके तहत इनके पास अब कुछ नहीं है, ना अब खाने को है ना रहने को है। रहने का आसरा चाहिए, जिसके लिए गुहार लगा के आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूरा परिवार खड़ा हुआ है। और कुछ कहना है आपको? और क्या कहेंगे हम, और क्या कह सकते हैं। हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि योगी सरकार से बड़ी उम्मीद है, हम यही उम्मीद से आए हैं कि हमको आवास एक मिल जाता और बेटी से शादी के लिए कुछ अनुदान मिल जाता तो हमारा गुजर बसर हो जाता। तो इनकी बस एक छोटी सी मांग है, एक छोटा सा आवास और बेटी की शादी हो जाए, किसी तरह से इनको मदद मिल सके, इसी की आस में आज यहाँ खड़े हुए हैं। बने रहिए हंगामा टाइम के साथ, और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो बताना ना भूलें।